तो दोस्तों आज सितंबर की 9 तारीख है और इस समय समर के फ्लावर खूब अच्छी फ्लावरिंग गार्डन में दे रहे हैं। दिसंबर तक यह समर के फ्लावर बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देते रहेंगे, लेकिन विंटर के बहुत से खूबसूरत फ्लावर के प्लांट की तैयारी हम सितंबर से करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम सितंबर और अक्टूबर में विंटर के सीड को ग्रो करना शुरू कर देते हैं। 15-20 सितंबर के बाद हम अक्टूबर तक इनके सीड को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको विंटर का गार्डन खूबसूरत बनाना है तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। तो आज हम विंटर के 14 खूबसूरत फूलों वाले पौधों को जानेंगे जिनके सीड आप अभी सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। सीड ग्रो करने के लिए आपका सॉयल मीडिया बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए आप सॉयल, सैंड, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिलाकर सही अनुपात में तैयार करें। सॉयल मीडिया को अच्छी तरह धूप में सुखाकर तब आप इस सीड को ग्रो करें। तो विंटर के बहुत ही खूबसूरत फूलों में आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह गुलदाउदी का है। गुलदाउदी विंटर का सबसे अधिक फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके एक दो नहीं बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। गुलदाउदी प्लांट के बहुत सारे कलर फ्लावर के आते हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है, आपके पास परमानेंट बना रहेगा। केवल विंटर में इस प्लांट में फ्लावरिंग होगी, गर्मियों में यह प्लांट आपके पास बना रहेगा और इस प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। प्लांट पर इतने अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए आपको प्लांट पर पिंचिंग करनी पड़ेगी। पिंचिंग करने से आप देखेंगे प्लांट पर बहुत सारी ब्रांच आएगी और सब पर बहुत ही अधिक गुच्छों में फ्लावरिंग होगी। इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। इस समय आप इस प्लांट को सितंबर में सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सितंबर में विंटर के खूबसूरत प्लांट सीड से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह पेटूनिया का है। विंटर का बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट है। आप इसके फ्लावर कलर देखिए, बहुत सारे इसके भी फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर देखने को विंटर में मिल जाएंगे। इस समय इस प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। पेटूनिया एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। इस खूबसूरत प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो करें, बहुत ही खूबसूरत इसके हैंगिंग बास्केट तैयार होते हैं। प्लांट को आप ऐसे जहाँ रखें जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके। पिंचिंग करने से इस प्लांट पर बहुत सारी ब्रांच आएगी और अधिक फ्लावरिंग आपको मिलेगी। प्लांट ओवरवाटिंग से ही ख़राब होता है। नर्सरी पर यह प्लांट जब मिलना शुरू होगा तो 20-40 रुपये तक यह प्लांट आपको मिल जाएगा, लेकिन इस समय आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। लिस्ट का तीसरा खूबसूरत प्लांट यह गजानिया का है। गजानिया एक हार्डी परमानेंट प्लांट है। गजानिया के साइड से आप देखेंगे नए नए प्लांट निकलते रहते हैं और बहुत सारे ये बड़ बनते रहते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को अगर आप बचा कर रख पाए तो पूरी गर्मी यह प्लांट आपके पास बना रहेगा और विंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देगा। यह एक फुल सनलाइट का प्लांट। गजानिया के भी फ्लावर कलर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। विंटर में इस प्लांट की प्राइस लगभग 40-60 रुपये तक ही रहती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय सीड से ग्रो कर लें। गजानिया के खिले हुए फूल शाम को बंद हो जाते हैं और सुबह वही फूल दोबारा खिल जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इस समय सीड से आसानी से सीडलिंग करके ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का चौथा विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या कार्नेशन का है। कार्नेशन विंटर में लगातार फ्लावरिंग देता है और पर डे आप देखेंगे इसके हर एक ब्रांच पर 2-4 फ्लावर आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट के सीड बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कार्नेशन के आप देखेंगे बहुत सारे कलर आपको फ्लावर के मिल जाएंगे। विंटर में इस प्लांट को लगभग 4-5 घंटे की धूप चाहिए और प्लांट पर आप ओवर वाटिंग ना करें। कार्नेशन प्लांट की रूट बहुत ही अधिक गहराई तक नहीं जाती है, इसीलिए इस प्लांट को आप छोटे पॉट में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट पर आप देखेंगे एक बार लेकर आएंगे तो बहुत सारे सीड बनने लगते हैं, तो आप उन्हें कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन के लिए रख भी सकते हैं। विंटर में यह प्लांट नर्सरी पर लगभग 60-80 रुपये तक आपको मिल जाएगा, लेकिन इस समय आप इसके सीड को आसानी से ग्रो कर लें। आज की लिस्ट का पांचवा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह डायंथस का है। डायंथस विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और यह प्लांट बहुत ही आसानी से ब्रीज से ग्रो हो जाता है। सितंबर में इसे आप आसानी से इस समय ग्रो कर लें। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, आप इसके बहुत सारे कलर फ्लावर के देखेंगे। इस प्लांट की भी हाइट आप देखिए बहुत ही ज़्यादा नहीं जाती है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप छोटे पॉट में 6-8 इंच के पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। डायंथस को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर इसे दिन भर की विंटर की धूप मिल सके। तो इस समय अगर आपके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय आसानी से सीडलिंग कर दें और बहुत ही जल्दी इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। विंटर में डायंथस के प्लांट आपको 30-40 रुपए तक मिल जाएंगे। सितंबर में सीड से ग्रो होने वाली लिस्ट का आज का छठवां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या वर्बीना का है। वर्बीना पर आप देखिए छोटे छोटे फ्लावर आते हैं गुच्छों में। यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देता है। पूरा पॉट भर फ्लावरिंग या प्लांट लगातार विंटर में देता रहता है। इस खूबसूरत फ्लावर के आप बहुत सारे कलर देखने को आपको मिल जाएंगे। इस समय इस प्लांट को आप सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक बार आप इस प्लांट को लेकर आएंगे तो इसके सीड इसी प्लांट पर तैयार होते रहेंगे और आप उन्हें कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन में बहुत ही आसानी से अपना गार्डन विंटर का बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं।
वर्बीना एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। विंटर में इस प्लांट के प्राइस लगभग 40 से 60 रुपए तक ही रहती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप बहुत ही अच्छी तरह से सीड से तैयार कर सकते हैं। या देखिए, या इसका एक और कलर है बहुत ही खूबसूरत, इसके बहुत सारे कलर आपको विंटर में नर्सरी पर मिल जाएंगे। सातवां खूबसूरत प्लांट यह कैलेंडुला का है। यह एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और यह प्लांट आप देखेंगे मैरीगोल्ड गेंदे की फैमिली का प्लांट है। मैरीगोल्ड से इसके फ्लावर मिलते जुलते हैं। इस प्लांट के फ्लावर की आपको दो तीन वैरायटी नर्सरी पर देखने को विंटर में मिल जाएगी। इस खूबसूरत प्लांट के सीड इसी प्लांट पर बड़े बड़े बनते हैं, जिससे कलेक्ट करने में बहुत ही आसानी होती है। इस प्लांट पर आप देखिए पत्तियों के साथ साथ फ्लावर भी बहुत ही अधिक आते हैं, बट इस पर ढेर सारा बनना विंटर में शुरू हो जाते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। विंटर का बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट सीड से सबसे आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर दिन भर की इसे विंटर में धूप मिल सके। विंटर में यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय सीड से जरूर ग्रो कर लें। सितंबर में सीड से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का आठवां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या डहलिया का है। डहलिया प्लांट के फ्लावर बड़े बड़े साइज के होते हैं। आप इस फ्लावर को देखिए, येलो कलर का कितना बड़ा इस खूबसूरत फ्लावर खिला हुआ है। डहलिया के बहुत सारे कलर नर्सरी पर देखने को विंटर में मिल जाते हैं। इस खूबसूरत प्लांट पर आप देखेंगे साइड से बहुत सारे बड निकलते हैं। इसके बड भी बड़े साइज के होते हैं। बहुत ही आसानी से यह प्लांट कटिंग और सीड से दोनों तरह से ग्रो हो जाता है। डहलिया प्लांट के रूट में ट्यूबर बनते हैं, तो ट्यूबर को आप जब यह प्लांट विंटर के बाद फ्लावरिंग करना बंद कर दे, तो इस प्लांट के ट्यूबर को आप कलेक्ट करके रख दें। और अब इस समय सितंबर अक्टूबर में आप इसके ट्यूबर से इस प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को आप ऐसे जहां प्लेस करें जहां पर इसे दिन भर की 4-5 घंटे की धूप मिल सके। जितनी अच्छी इस प्लांट को धूप मिलेगी, उतनी अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देगा और गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेगा। आज की लिस्ट का नवा बहुत ही खूबसूरत विंटर का प्लांट या मैरीगोल्ड का है। मैरीगोल्ड या गेंदा बहुत ही कॉमन प्लांट है और लगभग हर गार्डनर के घरों में यह प्लांट विंटर में देखने को मिल जाएगा। सर्दियों में बहुत ही अधिक फ्लावरिंग करने वाला यह प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और यह प्लांट इस समय सितंबर में सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। स्टेम कटिंग से भी यह प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन आप इस समय इसकी सीड को ग्रो कर लें। मैरीगोल्ड या गेंदा एक फुल सनलाइट का प्लांट है। जितनी अच्छी प्लांट को धूप मिलेगी, उतनी अच्छी तरह से गार्डन में प्लांट गुच्छों में फ्लावरिंग देता रहेगा। गेंदे को बहुत अधिक फर्टिलाइजर भी आपको नहीं देना है। बहुत ही अच्छी तरह से यह पूरे विंटर लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देने वाला खूबसूरत प्लांट है। तो इस समय इस प्लांट को आप सीड से जरूर ग्रो कर लें, जिससे आपका विंटर गार्डन बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो। लिस्ट का दसवां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह सदाबहार का है। सदाबहार गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत ही अच्छी खूबसूरत फ्लावरिंग देता है, लेकिन इसकी हाइब्रिड वैरायटी विंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर 5-6 घंटे की इस प्लांट को धूप मिल सके। प्लांट पर ओवर वाटिंग नहीं करना है। यह प्लांट कटिंग और सीड दोनों से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इस प्लांट के सीड इसी प्लांट पर बनते रहते हैं, जिन्हें आप कलेक्ट करके बहुत ही आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं। सितंबर में इसकी सीड बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। सदाबहार के हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, तो इस समय इस प्लांट को आप सीड से या कटिंग से दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। 11वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या साल्विया का है। साल्विया के फ्लावर ब्राइट कलर में होते हैं और गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखते हैं। इसके फ्लावर आप देखेंगे कई कलर में, वाइट, येलो, पिंक, बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लांट की आपको 2-3 वैरायटी देखने को मिलेगी। इसकी टाल और ड्वार्फ 2 वैरायटी आती है। फ्लावर आप प्लांट के ऊपर देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में पूरा विंटर लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। प्लांट ओवर वाटिंग से ही ड्राई होता है। प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर इसे 4-5 घंटे की धूप मिल सके। साल्विया के फ्लावर सर्दियों में मौसम में फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय इस प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर से लेकर यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप सीडलिंग से इस समय तैयार करना शुरू कर दें। सीड से जब प्लांट तैयार हो, तो उस प्लांट पर पिंचिंग का कार्य करें। पिंचिंग करने से प्लांट पर कई ब्रांच आएगी और बहुत सारे फ्लावर आपको प्लांट पर मिलना शुरू हो जाएंगे। लिस्ट का 12वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या इनपेशंस का है। बहुत ही खूबसूरत यह परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन जहां पर बहुत अधिक गर्मी रहती है, वहां पर इस प्लांट को समर में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंपेशंस के बहुत सारे कलर फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लांट इसका गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। इसकी आपको 2 वैरायटी देखने को मिलेगी। एक या वैरायटी जिसमें आप देख रहे हैं इसकी ब्रांच आपको दिख रही है, जो ऊपर की तरफ जाकर और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग दे रही है। एक इसकी छोटी वैरायटी आती है, जिसे हम हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं और उस प्लांट के हैंगिंग बास्केट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसके फ्लावर देखिए आप, ब्राइट कलर में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस प्लांट को बहुत अधिक तेज धूप में आपको नहीं रखना है। इस प्लांट को आप सेमी सीड में रखें। इस समय प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं।
पॉट, इसके लिए आप दोनों तरह के छोटे बड़े ले सकते हैं। बहुत अधिक वाटिंग प्लांट पर नहीं करनी है, इसकी ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है, ओवर वाटिंग से ब्रांच गलने लगेगी। तो इस समय आप इस प्लांट को सीड से तैयार कर लें। आज की लिस्ट का 13वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह पैंजी का है। पैंजी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसका फ्लावर कलर देखिए, बहुत सारे कलर इसको आपको मिल जाएंगे और इसके फ्लावर बटरफ्लाई की तरह लगते हैं, इसीलिए इस प्लांट को बटरफ्लाई प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट विंटर का होता है, कई रंगों में इसके फ्लावर आते हैं। इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके। इस प्लांट को सीड से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। पैंजी को आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी रूट बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाती है, और इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप विंटर में मिल सके, और इस खूबसूरत प्लांट पर आपको ओवर वाटिंग नहीं करनी है। बहुत ही जल्दी ब्रांच ओवर वाटिंग से ड्राई होने लगेगी। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप विंटर के लिए इस समय सीड से जरूर तैयार कर लें, बहुत ही जल्दी इसकी सीडलिंग तैयार हो जाती है। सितंबर में विंटर के सीड से ग्रो होने वाले खूबसूरत प्लांट की लिस्ट का आज का 14वां और अंतिम खूबसूरत प्लांट यह जेरेनियम का है। जेरेनियम एक बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और यह एक परमानेंट प्लांट है। यह प्लांट गर्मी सर्दी लगातार आपके पास बना रहेगा। इस प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देखिए, इस पे इस प्लांट के जब फ्लावर ड्राई हो जाते हैं तो सीड बनने लगते हैं। बहुत ही आसानी से यह प्लांट सीड से तैयार हो जाता है। तो इस समय इस प्लांट को आप सीड से ग्रो कर लें। जेरेनियम के बहुत सारे फ्लावर कलर आपको विंटर में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। यह प्लांट गर्मी सर्दी लगातार आपके पास बना रहेगा, और इस प्लांट की आप पत्तियां भी देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं। इस प्लांट को आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर यह प्लांट लगभग 2-3 घंटे की धूप में रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।